हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं वन प्लस 5T के नो डिस्प्ले लाइट नो ग्राफिक्स के बारे में। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डिस्प्ले बैक लाइट के बारे में, जो एमोलेड एलईडी में टोटल ही ब्लैंक हो जाती है स्क्रीन, और दूसरा जानेंगे ब्लैंक डिस्प्ले में। ये दोनों के कारण अलग अलग रहते हैं। ब्लैंक डिस्प्ले बोलो तो कुछ भी नहीं दिखाई देना, और नो लाइट बोलो तो भी कुछ भी दिखाई नहीं देना। एमोलेड स्क्रीन में दो तरीके से प्रॉब्लम आ सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला टॉपिक है हमारा, ये है डिस्प्ले कनेक्टर। जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो वोल्टेज आए हुए हैं, ये सब हमें वैल्यू चेक करनी है, और साथ ही साथ VCC से भी वोल्टेज गया है हमारा IC में। कौन सी IC में गया है? ये है हमारी डिस्प्ले लाइट IC, और यहाँ कॉइल और कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो इसका मेन लाइट कॉइल का जो मेन कॉइल है ये वाला है, और ये लाइट IC है, और ये कैपेसिटर कुछ कंपोनेंट है। तो यदि आपके फ़ोन में अगर लाइट नहीं जल रहा है तो आपको ये सब चीज़ें चेक करनी है। तो चेक कैसे करेंगे आप? मल्टीमीटर की मदद से, और ये सभी तरीके के वोल्टेज आपको चेक करने हैं। ये आप जान चुके हैं डिस्प्ले बैकलाइट के बारे में। अब जानेंगे हम नो ग्राफिक्स के बारे में। चलिए, नो ग्राफिक्स का प्रॉब्लम कुछ ऐसा रहेगा गाइस। ये सारे सप्लाई हमारे यहाँ गए इस कनेक्टर के बाजू में, ये कंपोनेंट में, रजिस्टर्ड में। तो ये सभी हमें वैल्यू चेक करनी पड़ेंगी नो ग्राफिक्स के लिए, और ये इसके बाद सीधा डायरेक्ट गए हैं CPU में। CPU में ही डायरेक्ट गया सप्लाई, बाकी कहीं नहीं गया है, सिर्फ कंपोनेंट्स के थ्रू होते हुए डायरेक्ट CPU में गया। तो आपको ये सब स्टेप फॉलो करनी पड़ेंगी नो ग्राफिक्स के मैटर में। चलिए, अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई पार्सल भेजना होगा तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।